आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ में गैंगरेप का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में अरेस्ट, दाहिनी पैर में लगी गोली, शिक्षिका को दोस्त के साथ किया था अगवा। निकला 15 फीट लंबा अजगर, बकरी को निकलकर धूप में बैठा था, वन विभाग की टीम ने पहुंचकर पकड़ा। एनजीटी के आदेश, धुएं में उड़ाने की थी तैयारी, मुजफ्फरनगर पुलिस अवैध पटाखों की दबोच में 5 लोग, सपा नेता के साथ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में निर्भया जैसा कांड, दिल्ली की महिला से 2 दिन गैंगरेप, बोरी में भरकर फेंका, मिली तब शरीर के भीतर थिरॉइड। पेट धांधली मामले में प्रयागराज के शिवम की तलाश, मूल अभ्यर्थी के आधार कार्ड में फोटो बदलकर बैठता था सालवर। बीएमएस के छात्रों ने बंद की ओपीडी, मरीज परेशान, बीएचयू में 13 दिन से धरने पर बैठे छात्र। कानपुर में तेजी से बढ़ा डेंगू, 8 नए मरीजों के साथ कुल 14 मरीज अस्पतालों में भर्ती, 3 डायरिया के पेशेंट मिले। फतेहपुर में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप का आरोप, पिता बोले 3 दिन पहले मां के साथ मेला देखने गई थी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाश घायल, अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार। देवरिया में 10 थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, 2 थानाध्यक्षों को मिली नए हाथ थानों की कमान, कपिल देव को सदर कोतवाली का चार्ज। पीलीभीत में सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी, हाथ से उखड़ गई गोलतार, बजरी की परत, अधिकारी बोले जांच कर होगी कार्यवाही। बीजेपी सांसद मुलायम सिंह यादव के नाम से बनवाएंगे सभागार, बलिया एमपी ने 25 लाख रुपए की स्वीकृत, डीएम को लिखा पत्र। गाजीपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन और डीएम बोली 4 दिन के सड़कों को करे गड्ढा मुक्त, चलाए अतिक्रमण हटाओ अभियान। फतेहपुर में बेमौसम बारिश से 80% फसल हुई बर्बाद, किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजा के लिए सर्वे कराने की मांग की। बदायूं में डेंगू प्रभावित घोषित, व्यवस्था नाकाफी, अस्पताल में डेंगू वार्ड तक इंतजाम नहीं, अभी तक मिल चुके 174 मरीज। मैनपुरी में विवाहिता की पीटकर हत्या का आरोप, पति सहित 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। गोंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 6 नमूने, 3 गत्ते आइसक्रीम, 45 लीटर दूध और 3 पैकेट चाय पत्ती कराई नष्ट। एटा में दिवाली को लेकर पुलिस सतर्क, जुआ खेलते 3 सटोरिये गिरफ्तार, कोतवाली प्रभारी बोले बाजारों और चौराहे पर रखी जा रही है नजर। हरदोई में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 17 महीने से चल रहा था फरार, पीड़िता ने 31 जनवरी को दिया था बच्चे को जन्म। सीतापुर में 1000 किलो अवैध पटाखे पुलिस ने किए जब्त, बिना लाइसेंस के बस्ती के बीच चला रहा था कारोबार, 7 आरोपी गिरफ्तार।
बिजनौर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी सिटी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, बोले लापरवाही पर होगी कार्रवाई। मेरठ के मोदीपुर में किराने की दुकान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लग गया, करीब 6 लाख का हुआ नुकसान। बागपत में एसएसपी और एडीए ने की पैदल गश्त, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, असामाजिक तत्वों को दी चेतावनी। झांसी में कच्चे मकान में लगी आग, जिंदा जली युवती, चारपाई पर सो रही थी लड़की, भूसे का बाड़ा जलने से पूरा मकान राख। मेरठ में दिन निकलने से पहले ही मुठभेड़ कुख्यात, इमरान के पैर में लगी गोली, लगने से घायल, लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश मंत्री राकेश दत्त मिश्र को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया, शहर के ककारी बाजार आवास पर पुलिस तैनात। गोंडा में परसपुर थानाध्यक्ष शमशेर बहादुर सिंह सहित 3 थानाध्यक्ष कतबादला सिंह को पर से हटाकर निरीक्षक मनकापुर बनाया गया। कानपुर में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर दबंगों ने जमकर बरसाई ईंट पत्थर, मामले में आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माणों को किया सील, 3 अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई। कानपुर में दर्जन भर गुंडों ने 3 व्यक्तियों को बेरहमी से पीट पीट कर किया लहूलुहान, पनकी थाने के रतनपुर नारायण चौराहे का है पूरा मामला। अलीगढ़ में सरकार के आदेश का हो रहा है पालन, रुपए के बकायेदारों के काटे विद्युत कनेक्शन, लोगों ने अवैध वसूली का लगाया आरोप। अम्बेडकर नगर में नरेंद्र कश्यप द्वारा दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल किया गया वितरण, मौके पर अनुराग जैन सहित आदि लोग रहे मौजूद। अलीगढ़ में रोडवेज बस की चपेट में आने से युवक की मौत, वाल्मीकि समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। अमेठी में संचालित मदरसों का सर्वेक्षण पूरा, सर्वेक्षण में अवैध पाए गए 70 मदरसे। अलीगढ़ में बस की चपेट में आकर युवक की हुई मृत्यु, गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने लगाया जाम। बदायूं में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवारों ने बाइक सवार के सीने पर मारी गोली। बुलंदशहर के NH 51 में हो रहे गहरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार, गड्ढे में गिरने से बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। गाजीपुर में सपा विधायक जय किशन साहू ने दिया विवादास्पद बयान, कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान का छोटा भाई है। बुलंदशहर में अवैध उगाही को लेकर किसान महाशक्ति संगठन का धरना प्रदर्शन, किसान संगठन ने एसएसपी को दिया ज्ञापन। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज द्वारा दंगल का हुआ आयोजन, कार्यक्रम को पूर्व प्रधान सुजावलपुर ने फीता काटकर किया शुभारंभ। लखीमपुर खीरी में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे ठेकेदार, खंड विकास अधिकारी की लचर कार्यशैली पर उठ रहा है सवाल। लखनऊ में प्लेसमेंट सेल का हुआ शुभारंभ, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्लेसमेंट सेल का किया उद्घाटन।
प्रदेश में 31 अक्टूबर से मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, चुनाव निकाय के लिए किया जाएगा पुनर्निरीक्षण। दिवाली से पहले जहरीली हुई नोएडा की हवा, AQI पहुंचा 230 के पार, लगातार तेजी से बढ़ा है प्रदूषण खतरा। रायबरेली में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन सख्त, त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मैनपुरी में घर के अंदर रखी आतिशबाजी में हुआ विस्फोट, विस्फोट के दौरान पटाखे खरीदने आया युवक गंभीर रूप से घायल। औरैया पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ तुर्की पर गांव का किया निरीक्षण। गाजीपुर में मर्द ब्लॉक के महेवा गांव में जनसभा को संबोधित किया ओमप्रकाश राजभर ने, सावधान यात्रा के दौरान दिखा समर्थकों का भारी हुजूम। गोरखपुर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, सीएम योगी मदद का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को राहत, मुख्तार अंसारी के बेटे की गिरफ्तारी पर लगी रोक। लखीमपुर खीरी में 20,000 का इनामिया बदमाश विनीत शर्मा, पुलिस मुठभेड़ में घायल, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ में इमरान मसूद होंगे BSP में शामिल, विधानसभा चुनाव में सपा में शामिल हुए थे इमरान। लखीमपुर खीरी में सबसे बड़े पटाखा व्यवसायी के घर में पुलिस का छापा, छापेमारी के दौरान 50 लाख का सामान बरामद। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत, ऑफिस में कुर्सी पर बैठे आया हार्ट अटैक, घटना CCTV में हुआ कैद। लखीमपुर खीरी में नेथमरे जनपद की छेड़छाड़ की घटनाएं, विशेष समुदाय के युवक द्वारा की गई नाबालिग बहनों से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। नेताजी की अस्थियां संगम में प्रवाहित, तो बेटी के साथ अखिलेश ने की पूजा, सैफई से परिवार सहित तो चार्टर प्लेन से प्रयागराज पहुंचे। ललितपुर में किसान की करंट की चपेट में आकर मौत, 1000 KV का तार टूटकर किसान पर गिरा, खेत में कर रहा था काम। झांसी में सड़क हादसे में किसान की मौत, 3 घायल, मूंगफली बेचने जा रहे थे, ट्रक की टक्कर से बाद डिवाइडर से टकराई पिकअप। हरदोई में बस नाम का जनता दर्शन, नहीं सुनी जाती पीड़ितों की शिकायत, 1 साल बाद भी दंपत्ति को नहीं मिली ट्राई साइकिल। एटा में नकली दूध घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा, 5 कनस्तर पाम ऑयल आयल के, 8 केमिकल के कनस्तर बरामद, सैंपल जांच को भेजा। सीतापुर में खाना बनाते समय कांच की डिब्बी में धमाका, चूल्हे के पास मौजूद महिला गंभीर रूप से झुलसी। आगरा में पंचकुइया कब्रिस्तान में अवैध रिहायशी, बांग्लादेशी और शरणार्थी होने का भी शक, वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद पुनर्वास की उठी मांग। सोसाइटी से हटाया जाए स्ट्रीट डॉग्स, बुलबर्ट के बाद JP अमन सोसाइटी के लोगों ने प्राधिकरण से की अपील।
रामपुर में फल व्यापारी ने किया सुसाइड, परिवार से बोला मंडी वाले कर्ज लेने आएंगे, मैं हट जाता हूं फिर लगा ली फांसी। पीलीभीत में दिशा की बैठक में शामिल हुए वरुण गांधी, लापरवाही पर अधिकारियों की लगाई फटकार। सैफई जाने के लिए साइकिल से रवाना हुए सपाई, सपा संस्थापक को सैफई जाकर देंगे श्रद्धांजलि, 21 को प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। उन्नाव में तिरपाल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के उपकरण जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे मशक्कत कर पाया आग पर काबू। जौनपुर में तेज रफ्तार बोलेरो डिवाइडर पर चढ़ी ड्राइवर को झपके आने से हादसा हुआ, वाराणसी और गाजीपुर के 2 लोगों की मौत। सीतापुर में घर से 4 लाख की चोरी, झाड़ियों में मिला ताला टूटा हुआ बक्सा, सोने की चेन झुमकी समेत जेवर किए पार। सुल्तानपुर में लेखपाल गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने 5,000 रिश्वत लेते हुए दबोचा, विधिक जांच की होगी, केस दर्ज हुआ। बैजनौर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की हत्या, खेत पर गांव के युवक से हुई मारपीट, जमीनी विवाद बताया गया। देवरिया में ट्रेन के आगे कूदकर किशोरी ने दी जान, मोबाइल चोरी का आरोप लगने से थी आहत, पड़ोसी महिला ने की थी शिकायत। फिरोजाबाद में बाल श्रम करते 23 बच्चे बरामद, संयुक्त टीम ने पकड़ा, कोई पंचर जोड़ रहा था तो कोई बेच रहा था चाय। अमेठी में दलित महिला के घर में तोड़फोड़, दुकानदार ने रात में फोन कर गाली गलौज की, एसपी ने दिए जांच के निर्देश। फिलहाल के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।